Well, आज है ट्यूजडे एंड ये टेक ट्वीट्स का हमारा सेकंड एपिसोड है। पिछले वाले टेक ट्वीट्स को अपने इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था उस वीडियो को, तो मैं फिलहाल तो ये टेक ट्वीट्स वाला वीडियो सिर्फ वीकली एक बार ही करूंगा ऑन ट्यूजडेस। आज का जो सबसे पहला अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरोग्य सेतु ऐप जो है, जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स है वो लोग अगर आपके आसपास है कि नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए जो ऐप बनाया था उससे अभी दिल्ली में कंपलसरी कर दिया है नोएडा पुलिस ने, तो ये काफी सीरियस मैटर है। एंड आई विल रियली रिक्वेस्ट यू कि अगर आप तक अपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी ऐप डाउनलोड कर लो। लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करना प्लीज, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। वेल गाइस, लेनोवो लेके आ रहा है एक गेमिंग फोन एंड इसका नाम होने वाला है लेनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन। एंड इस फोन के काफी सारे लीक्स आपको सामने निकल के आ गए हैं एंड बहुत ही एक अलग सा ही फोन है, कंसेप्ट फोन है। बस यहाँ पे आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने मिलता है, वो भी साइड में, मतलब फोन के आपको साइड में एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने मिलेगा। यहाँ पे दो USB टाइप सी पोर्ट आपको देखने मिलते हैं, एक फोन के नीचे एक राइट साइड में। ये फोन में आपको रियर साइड में एक डुअल कैमरा सेटअप देखने मिलेगा, वो भी थोड़ा सेंटर में एंड एकदम सेंटर में आपको देखने मिलता है फ्लैश। तो इसका डिजाइन काफी वियर्ड है, काफी अलग सा है। एंड ये फोन सपोर्ट करने वाला है 90W फास्ट चार्जिंग। अब एग्जैक्टली ये कन्फर्मेशन नहीं है, कुछ लीक से चल रहे, बट जैसे ही इसके अपडेट्स आते हैं, कन्फर्मेशन आते हैं, मैं आपको अपडेट करूंगा। गाइस, Xiaomi ने एक नया पेटेंट लॉन्च किया है, दैट इज अंडर डिस्प्ले कैमरा का। पर पास में हमें Xiaomi एंड Oppo की तरफ से ऐसे कुछ पेटेंट्स देखने मिल रहे थे, बट यहाँ पे Xiaomi शायद जल्दी ही एक स्मार्टफोन लॉन्च करे विद इन डिस्प्ले कैमरा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली होगा क्या कि जब भी कैमरा ऑन होगा तो कैमरा के सामने वाली जो स्क्रीन होगी वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, एंड जैसे जो कैमरा बंद हो जाएगा जो स्क्रीन है एक नॉर्मल फुल बेजललेस डिस्प्ले जैसा बन जाएगा एंड आप विदाउट एनी नॉच आपका फोन यूज कर सकते हो। वेल, OnePlus Z लॉन्च होने वाला है एंड इसके एग्जैक्ट डेट अब निकल के नहीं आए, बट कुछ ऐसे रूमर्स थे कि OnePlus Z एक MediaTek Dimensity प्रोसेसर के साथ आने वाला था, बट ये चीज अभी फॉल्स प्रूफ हो गई है। OnePlus Z आने वाला है Snapdragon 756 प्रोसेसर के साथ एंड OnePlus Z एक 5G एनेबल्ड फोन होने वाला है। इसकी प्राइस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25-30,000, तो ये प्राइस रेंज में OnePlus Z लॉन्च होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। सो लेट्स सी OnePlus क्या लेके आते हैं। जो नेक्स्ट खबर है इट इज फ्रॉम MIUI एंड अभी MIUI 13 का डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मतलब MI12 अभी लॉन्च तक नहीं हुआ एंड 13 का डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो Xiaomi बहुत ज्यादा आगे भाग रहा है फटाफट। वेल, Xiaomi का ऐसा मानना है कि हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज वाई वो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। MIUI 13 का एक डिस्कशन फोरम भी स्टार्ट कर दिया जिसमें Xiaomi यूजर्स से पूछना है कि आप MIUI 13 के साथ क्या चेंजेस चाहेंगे क्या नहीं चाहेंगे, तो यूजर्स वहां जाके अपनी ओपिनियंस वगैरह शेयर कर सकते हैं। Poco F2 Pro गाइस लॉन्च होने वाला है काफी जल्दी एंड यहाँ पे एक कन्फर्मेशन आ गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली Poco F2 Pro Redmi K30 Pro का एक रिब्रांडेड वर्जन ही होगा। तो यहाँ पे आपको सेम स्पेक्स देखने मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप एट द बैक एंड ये सारे फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। एमोलेड डिस्प्ले होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा एंड यहाँ पे Poco F2 का एक लाइव पेज ऑन हो चुका है जहाँ पे आप लोग प्री ऑर्डर करके रख सकते हो, कुछ ऐसे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप अगर चाहो तो वो जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ ही Realme X3 सुपर जूम के काफी स्पेक्स निकल के आ गए सामने एंड ऐसा बोल रहा जा रहा है कि ये एक स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर के साथ आएगा। अब आई एम नॉट श्योर क्यू रियलमी एक पुराने फ्लैगशिप के साथ जा रहा है रादर देन पुटिंग 865 या फिर एक 5G फोन लेके आने के जगह पे, बट आई थिंक जो भी इसका टारगेट मार्केट होगा वो थोड़ा सा कम प्राइस वाला होगा। तो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट रियलमी X3 प्रो अराउंड 30,000-35,000। अगर मैं बाकी स्पेक्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे 4200 mAh की बैटरी, 30W फास्ट चार्जर, AMOLED डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड शायद एक 90Hz का स्क्रीन यहाँ पे सपोर्टेड रहेगा। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलेगा एंड फ्रंट साइड में एक डुअल कैमरा सेटअप होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग स्पेक्स है। और अगर मैं इसके सुपर जूम के बारे में बताऊं तो शायद यहाँ पे पेरिस्कोप कैमरा नहीं होगा X3 जूम के साथ, बट ऐसा कहा जा रहा है कि काफी हद तक ये एक हाइब्रिड जूम होगा x30x। तो लेट्स सी रियलमी एग्जैक्टली क्या लेके आता है मार्केट में। नेक्स्ट न्यूज जो है वो व्हाट्सएप की तरफ से आती है एंड व्हाट्सएप अपना एक पे फीचर स्टार्ट करने वाला है व्हाट्सएप पे करके एंड ये ऑलमोस्ट इस मंथ के एंड तक लॉन्च होने की बात चल रही है। ऑलरेडी एक्सिस बैंक, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक से इसका अफिलिएशन स्टार्ट हो चुका है। अगर ये फीचर लॉन्च होता है तो मैं इस पर जरूर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो अगर आपको देखना होगा तो जरूर नीचे जाओ एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। एंड इसके बाद में जो न्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आता है व्हाट्सएप की तरफ से एंड COVID-19 से रिलेटेड जितने भी फेक न्यूज ऐसी स्प्रेड हो रही है व्हाट्सएप में उसको चेक करने के लिए अब व्हाट्सएप ने एक व्हाट्सएप फैक्ट चेकिंग बॉट स्टार्ट कर दिया है। ये सर्विस बेसिकली आपको करना है कि इस नंबर को अपने फोन में सेव कर देना है एंड फोन नंबर को सेव करने के बाद आपको उसको हाई भेजना है।
हाई भेजने के बाद आपको एक मेन्यू आ जाएगा एंड उस मेन्यू को यूज करके आप बहुत सारे ऐसे फैक्ट चेकिंग वाली चीजें कर सकते हो, प्राइवेसी रिलेटेड सारी चीजें। तो ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल होगा ताकि ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। तो आई विल रिकमेंड कि कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले इस फैक्ट चेकिंग बॉट को यूज करना एंड जो ट्रू या फिर सच्ची इन्फॉर्मेशन है वही आगे फैलाना, फेक इन्फॉर्मेशन मत देना किसी को। वेल हमारी आज की आखिरी न्यूज आती है वीवो की तरफ से एंड Geekbench पे एक मिस्टीरियस वीवो फोन लिस्ट हो चुका है विद 8GB RAM एंड इसके जो स्पेसिफिकेशंस जो निकल के आ रहे हैं इस लीक के हिसाब से इस Snapdragon 765 प्रोसेसर, मतलब एक 5G enabled फोन होगा वीवो की तरफ से। एंड वैसे तो अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया वीवो की तरफ से अबाउट अ 5G फोन, बट इस लिस्टिंग के हिसाब से ये जरूर पता चलता है कि कोई ना कोई एक नया 5G वीवो फोन जरूर आने वाला मार्केट में। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि ये एग्जैक्टली कौन सा फोन होने वाला है। एंड एनीवेज अगर आपको ऐसे छोटे छोटे टेक अपडेट्स चाहिए रहेंगे तो जरूर मुझे ट्विटर पे जाके फॉलो कर देना, मैं वहाँ पे कंटिन्यूअसली जो भी अपडेट रहते हैं, जो भी नए लीक्स रहते हैं वो वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो जाओ मुझे यहाँ पे ट्विटर पे फॉलो करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड हैंडल यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया। एंड एनीवेज गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आपको अमेजिंग टेक न्यूज जल्दी से जल्दी एंड बहुत इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस मिलते रहे। सो एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, इसमें साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।